शक्ति माँ गौरी के रूप में सामने आए तो तुम्हें लगेगा ममता से भरी माँ, और शक्ति माँ काली के रूप में सामने आए तो तुम डर से कांप जाओगे। जितनी विविधताएं संभव हो सकती हैं अस्तित्व में और जीवन में, सबका प्रतीक है नवरात्रि। ब्रह्मचारिणी है, माँ गौरी है तो शांत है, क्षमा करने वाली है। तुमने कहा कात्यानी है, चंद्रघटा है, स्कंद माता है तो संहार करने वाली है। सृजन भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। सब तरह के कर्म शिव की शक्ति के द्वारा संभव हैं। तो फिर कौन सा कर्म किया जाए? वो कर्म किया जाए जिसके केंद्र में शिव बैठे हों, वो शुभ ही होगा। किस आधार पर तुम जी रहे हो? सत्य के आधार पर जी रहे हो या भ्रम, मोह, डर, बेचैनी, लोभ, भय, ईर्ष्या? बस यही देखना है। मन अगर ठीक है तो सब रूप पूजनीय हैं, सब रूपों का उत्सव मनाओ, यही है असली नवरात्रि। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।